जय हिंद एंड वेलकम टू आर्मी बॉयज। आज बहुत दिन बाद हम लोग कुछ वोकैब्स के वर्ड्स करेंगे, तो ध्यान से देखना। हम लोग कुछ याद करने के तरीके सीखेंगे, ठीक है? चलो, तो हमारा पहला जो वर्ड है ना, वो पहला वर्ड हमारा है अहंकारी। ठीक है, क्या है बच्चे? अहंकारी। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है? अहंकारी वर्ड्स को याद कैसे करेंगे? अच्छा, ये अहंकार मीन्स होता है घमंड। घमंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं ईगो। घमंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईगो। और लास्ट में TIST लगा दो, ईगोटिस्ट। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अहंकारी। ठीक है, चलो इसके बाद देशभक्त बहुत तरीके के होते हैं, है ना? देशभक्त बहुत तरीके के होते हैं। कुछ देशभक्त ऐसे होते हैं जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। किसके लिए? युद्ध के लिए। ठीक है, अब युद्ध के लिए तैयार रहने वाला देशभक्त, युद्धवादी देशभक्त। ठीक है, अब युद्ध को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, है ना? युद्ध को जंग भी कहते हैं। तो जंग को क्या करोगे? लास्ट में JIJANG जंग होता है, या फिर JUNG होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? JING जंग कर दोगे। बस ये याद करने का तरीका है। ठीक है, और सबसे पहले तैयार रहते हैं फर्स्ट IST, तो जिंगिस्ट। जिंगिस्ट मीन्स वॉट? जिंगिस्ट मीन्स युद्धवादी देशभक्त। ठीक है, उसके बाद वर्ड है एक हमारा वर्ड है थिस्ट, ईश्वर पे भरोसा करने वाला। थिस्ट, THEIST, थिस्ट मीन्स वॉट? ईश्वर पे भरोसा करने वाला। ठीक है, तो जी ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? THI दैट मीन्स द, और IST मीन्स, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। IST मीन्स एक, द फर्स्ट, सबसे पहले कौन होता है? भगवान। ठीक है, ईश्वर। ठीक है, अब उसके बाद आगे आ जाओगे, क्या होता है? बहुत कोई भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। अब नहीं को आगे में सिर्फ ए लगा दो, अथिस्ट। दैट मीन्स व्हाट? नास्तिक। थिस्ट मीन्स आस्तिक, और अथिस्ट मीन्स नास्तिक, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं हमारे जैसे लोग, जो सिर्फ एक भगवान पे भरोसा करते हैं, सिर्फ एक भगवान पे भरोसा करते हैं। ठीक है, एक भगवान पे भरोसा करने वाले लोग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थिस्ट मीन्स व्हाट? भरोसा करना भगवान पे। ठीक है, और एक मीन्स मोनो, टू मीन्स होता है डाई, और एक मीन्स होता है क्या? मोनो। सो मोनो थिस्ट, दैट मीन्स व्हाट? एक भगवान पे भरोसा करने वाला। ठीक है, उसके बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा भगवान पे भरोसा करते हैं, मीन्स पॉलीथिस्ट, एक से ज्यादा भगवान पे भरोसा करने वाला। ठीक है, उसके बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सब भगवान पे भरोसा करते हैं, सारे ईश्वर पे भरोसा करने वाले लोग। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है पैनथिस्ट। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, अपने पास अगर कुछ भी आपके पास नहीं है, जो सिर्फ एक चीज आपके पास है, दैट इज व्हाट? पेन, कलम। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक कलम होगा ना, तो आप पूरे दुनिया को जीत सकते हो। सिर्फ एक कलम से आप क्या कर सकते हो? पूरे दुनिया को जीत सकते हो। किस से? पेन से। सो पैनथिस्ट मीन्स क्या हो गया? ईश्वर। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड क्या हो गया? मूर्ति पूजक। तो मूर्ति मीन्स क्या होता है? आइडल। मूर्ति मीन्स क्या होता है? आइडल। लास्ट में TOR लगा दो, दैट इज व्हाट? मूर्ति पूजक, वो काम करने वाला। जैसे टीच मीन्स पढ़ाना, ER, टीचर। टीचर मीन्स पढ़ाने वाला। उसी तरह क्या होता है? आइडल मीन्स क्या होता है? मूर्ति, और मूर्ति को पूजा करने वाला, आइडोलेटर। क्लियर? चलो, उसके बाद एक वर्ड है अवसरवादी। अवसर का इंग्लिश क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। इफ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, यू विल बी डूइंग द ग्रेट वर्क्स, राइट? सो अपॉर्चुनिटी मींस क्या होता है? अवसर। लास्ट में IST लगा दो, अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट क्या हो गया? अवसरवादी। अवसर के लिए हमेशा रेडी रहने वाला, अवसरवादी। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड है दलाल। अब दलाल का काम क्या होता है? किसी भी रूल को ब्रेक करना। समझ रहे हो? आपको पता है, किसी भी रूल को ब्रेक करना। सो क्या बन गया हमारा इससे? ब्रोकर। क्लियर? अब लास्ट हमारा वर्ड है बेकर। बेकर मीन्स ब्रेड बनाने वाला। बेकर मीन्स क्या हो गया? ब्रेड बनाने वाला। आपको पता है बेकरी, बेकरी मीन्स व्हाट? जहां पर ब्रेड बनता है, और जो बनाता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड बेकर। ठीक है, चलो, ये कुछ वर्ड्स थे हमारे वोकैब्स के, जो हम लोग को याद तो है, पर एक तरीके से याद करना है, क्योंकि हर किसी को याद नहीं होता है। अब आपका काम क्या है? इस वर्ड से कुछ कुछ सेंटेंस बनाओ और हमें कमेंट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।